हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं विशी और आप देख रहे हैं बाउंड टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कल यानी कि 17 जनवरी की जो हमारा दिन होगा उसके लिए इंट्राडे वॉच लिस्ट देखेंगे और कौन से स्टॉक उसमें बाइंग साइड होंगे, कौन से स्टॉक उसमें सेलिंग साइड होंगे वो देखेंगे और लॉजिक के साथ देखेंगे। सो आपको आइडिया है किसमें आपको बाइंग करनी है और किसमें आपको सेलिंग करनी है। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो जो इस लिस्ट में हमारा पहला स्टॉक है वो है मारिको। अभी मारिको क्यों है, तो मारिको में मेरे को हाल फिलहाल वन डे के ऊपर क्या है कि डबल बॉटम जैसा एक पैटर्न दिख रही है। आप देखिए, देखो इधर से एक डाउन ट्रेंड, बाद में एक अप डाउन और फिर से एक डब्ल्यू टाइप एक पैटर्न बना दिए। तो ये पैटर्न बुलिश साइन देती है और इसका अभी प्रॉपर ब्रेकआउट भी हो चुका है, लेकिन प्रॉपर नहीं है। लेकिन आई थिंक कल ये क्या है कि शायद ये अप चला जाए। अगर ये कल अपने जो 350 का लेवल है उसके अबव निकल जाता है, प्रॉपर तरीके से इसको अबव निकल जाता है, तब आप इसमें अपनी बाइंग पोजिशन बना सकते हो। तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रखो, क्योंकि इसमें वन डे के टाइम फ्रेम पे ऊपर एक डबल बॉटम देखने को मिला है। तो जो मारिको है वो हमारे बाय के लिए। बाद में हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो कौन सा है वो देख लेते हैं। दूसरा स्टॉक है वो है विनाती ऑर्गो, मतलब विनाती ऑर्गेनिक। अभी ये क्यों है कि ये जो है इसमें आपको क्या है कि वन डे के टाइम फ्रेम या क्या है कि वन आवर्स के टाइम फ्रेम दोनों पे देख लो तो एक चैनल जैसा बना हुआ है। कितने टाइम से ये क्या है कि इसके बीच में ही फंसा पड़ा है। तो आप इसको लेके जाओ, अगर ये चैनल का ब्रेकआउट प्रॉपर तरीके से कर देता है तब आप इसमें अपनी बाइंग पोजिशन बना सकते हो। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं होता कि आज ये ब्रेक करेगा कल ये ब्रेक करेगा, तो ऐसा नहीं होगा ये कल ब्रेक करेगा ही। आप इसको अपनी वर्जिश में बना के रखो, अगर ये ब्रेक करता है तो अब आपने एंट्री लीजिए, वरना रहने दीजिए। तो जो ये स्टॉक है वो हमारे बाइंग लिस्ट में क्यों, क्योंकि इसमें चैनल बनी हुई है। बाद में जो हमारा आगे वाला स्टॉक है वो कौन सा है वो देख लेते। इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो है जाइडस वेल। अभी जाइडस वेल भी सेम है, कितने दिनों से आपको क्या है कि एक रेंज में फंसा हुआ दिखेगा। देखो इधर से लेके इधर तक एक रेंज में ही फंसा, तो इधर से एक आप क्या है कि ट्राइंगल भी बना सकते हैं और क्या है कि एक चैनल भी बना सकते हैं। तो दोनों का ब्रेकआउट हाल फिलहाल हो चुका है, तो इसको भी अपने क्या है कि बुलिशनेस में लेके जाओ। अगर ये कल आपको कोई बाइंग सिग्नल देता है तब आप अपनी इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हो। तो जाइडस वेल है वो क्यों है, क्योंकि एक क्या है नॉर्मली क्या है कि एक छोटी रेंज में फंसा हुआ था, बाद में अभी हाल फिलहाल इसको ब्रेक करके अबव आया है। तो देखते हैं कल क्या होता है, शायद ऐसा भी है थोड़ा नीचे आके ये लाइन पे सपोर्ट लेके भी ऊपर जा सकता है। तो देखते हैं कल क्या हो सकता है जाइडस वेल में। और ऐसा नहीं होता कि इधर से जो मैं बाइंग वाले स्टॉक बताते हैं वो सभी बाइंग के लिए लेके जाते हैं हम, ऐसा नहीं हो। तो अगर आपको मैं 5-6 स्टॉक दे रहा हूँ उसमें से अगर मैं एक में भी प्रॉपर क्या है कि ब्रेकआउट या प्रॉपर एंट्री मिल गई आपको, तो इसमें क्या दिक्कत है। एक स्टॉक में भी क्या है कि पैसा बनता है। ऐसा नहीं होता कि मेरे को 5-6 स्टॉक चाहिए और सभी में एंट्री लेनी है। अगर एक स्टॉक में आपको प्रॉपर एंट्री मिल जाती है तो बहुत है। अगर इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो कौन सा है वो देखते हैं। तो बलरामपुर चीनी जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है उसमें क्यों हम एंटर होने चाहते हैं, तो इसमें भी सेम है। आपको क्या है कि एक एसेंडिंग ट्रायंगल दिखता है, एक अप ट्रेंड है, बाद में एक एसेंडिंग ट्रायंगल बन चुका है। आज भी क्या है कि एक मतलब ब्रेक करने की ट्राई किया लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। तो देखते कल अगर इसका प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट हो जाता है तो मैं भी इसको इंट्राडे में लेके जाऊंगा, मैं भी इसमें इंट्राडे कर सकता हूँ। लेकिन जो इस लेवल है, ये जो लाइन है, इसका प्रॉपर ब्रेकआउट होने के बाद तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसको भी मैं लेके जा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसमें असेंडिंग ट्रायंगल बनाओ, अगर इसका प्रॉपर ब्रेकआउट हो जाता है तो मैं इसमें बाइंग करूंगा। बाद में जो हमारा लास्ट एंड आखिरी स्टॉक है वो कौन सा है वो देख लेते। जो हमारा लास्ट एंड आखिरी स्टॉक है वो है मन्नापुरम फाइनेंस। अभी ये क्यों, तो मन्नापुरम फाइनेंस आप देख रहे हो कि 170 से लेके 180 के बीच में ये क्या है कि ऊपर नीचे होता रहा। आज क्या किया, ओपन होते ही क्या है कि एक ट्रायंगल है का इसने ब्रेकआउट दे दिया और इसका जो हाई था उसका भी इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो इसीलिए मैं इसको कल बाइंग के लिए लेके जा रहा हूं। अगर मेरे को इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली कल तो मैं इसमें बाइंग करूंगा, या तो वेट करूंगा कि ये थोड़ा नीचे आए। अगर नीचे आता है तब की बात है, अगर ऊपर चला गया तब कोई दिक्कत नहीं। अगर कल ये थोड़ा सा नीचे आता है और इस लाइन के आसपास से फिर से अपसाइड जाने का कोई सिग्नल देता है तब भी आप इसमें बाइंग कर सकते हो। तो जो हमारा मन्नापुरम फाइनेंस है उसको क्या है कि अपने वॉच लिस्ट में बना के रखो। अगर आपको कोई प्रॉपर अपसाइड मिलती है या कोई सिग्नल मिलता है तब आप अपनी इसमें बाइंग साइड पोजीशन बना सकते हो। तो ये था हमारी ओर से कल के लिए इंट्राडे वॉच लिस्ट। सभी स्टॉक बाइंग साइड के लिए, एक भी स्टॉक सेलिंग साइड के लिए नहीं है। अगर ये स्टॉक में से कोई भी स्टॉक में से आपको बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी मिलती है तब आप इसमें बाइंग कर सकते हो। एक बार देख लेते कौन कौन से स्टॉक थे,
पहला स्टॉक था मारिको, बाद में विनतिक ऑर्गेनिक, बाद में जाइडोस्वेल, बाद में जो हमारा बलरामपुर चीनी था, और लास्ट में था मन्नापुरम। अगर इसमें से कोई भी एक में से एंट्री मिल गई तो भी बहुत है। ऐसा नहीं होता कि आप जितने स्टॉक देख रहे हो सब में आपको एंट्री मिले। तो देखो अगर प्रॉपर एंट्री किसी में भी मिलती है तब आप इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे। सो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।